हे एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ स्वाति, एंड स्वाति क्रिएशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे पिछले कुछ वीडियो से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, तो एक दो वीडियो मेरी सिस्टर ने भी स्टार्ट किए हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी, और अभी भी मेरे फेस पे लाइट सी स्वेलिंग बची है, अब ज़्यादा नहीं है। तो मेरा चेकअप चलता है मंथली लोहिया अस्पताल से, तो आज हम लोग जा रहे हैं लोहिया अस्पताल। 2 दिन पहले मेरा टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट मेरी ठीक ठाक आई है, तो आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और स्वेलिंग फेस पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की सी है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, मिलते हैं हम कुछ देर बाद। हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है लखनऊ का। और आज है मंगलवार, तो हर जगह रास्ते रास्ते में ना भंडारा बट रहा है, तो मुझे भंडारा खाना बहुत पसंद है। तो मैंने इनसे कहा जाइए आप ले आइए, और हम और मेरा बच्चा गाड़ी में ही बैठे हैं और ये लोग गए हैं भंडारा। पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं पूरी सब्जी खाने में। मेरी तरह आप किस किस को भंडारा खाना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पता है वैसी सब्जी और वैसी पूड़ी आप घर में नहीं बना सकते हो, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है घर की, लेकिन भंडारे की बात ही अलग कुछ होती है। तो मैं तो खाती हूँ, अभी फर्स्ट मंगल में भी खाया था और इसमें भी सोच ही रही थी बाबू नहीं करो, शेक हो रहा है तो मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर रस्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, इसलिए खाएंगे ज़रूर हम लोग। और आप लोग प्लीज़ खाया कर, जरूर खाया कर। गया है हम लोगों को भंडारा खाने के लिए, ये है कद्दू की सब्जी और पूड़ी जिसे मैं अभी खा लेती हूँ। मेरे को तो है। मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के घर और अब हम लोग खाएंगे खाना। यार रास्ते में बस एक ही जगह भंडारा मिला था और दीदी के घर के सामने लगा था, लेकिन ये लोग लेने नहीं गई हैं, भंडारा नहीं ला सकती थी। अब एक जगह से ये लोग कढ़ी चावल लेके, लेकिन मुझे कढ़ी चावल इतना नहीं पसंद है जितना पूरी सब्जी पसंद है। तो अब अभी देखते हैं खाने में क्या है, पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर हम लोग खाना खाएंगे। और यार मौसम का ही देख करके हम लोग यहाँ पे आए थे कि बहुत अच्छा मतलब मौसम हो रखा है लखनऊ का, लेकिन अब भी मुश्किल से 10-15 मिनट पहले यहाँ पे जानी आ रही है। देखते हैं आगे बारिश होगी कि नहीं। खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग सो गए थे और अभी उठे हैं। यहाँ पे वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, छत पे आए हम लोग क्योंकि सामने ही ना ओवर ब्रिज है घर के, तो यहाँ 24 घंटे ना ट्रक वगैरह सब चलते रहते हैं। वेदर ठीक ही है, कुछ खास नहीं। आप लोग कमेंट करिए इस बात पर क्या बोलते हैं उसको।
पागल बोलते हैं बताशे। सब बैठ के गाइस आप सब खा रहे हैं खाना। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब हम लोग आए हैं छत पे, थोड़ी देर टहलेंगे फिर सो जाएंगे जाके। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने खाना ज्यादा खा लिया है। और ये देखिए पीछे से रात में कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है। सामने ही बहुत अच्छी लाइट लगी हुई है दीदी के घर पे, ये तो उसी लाइट का फोकस इधर आ रहा है। और अब हम लोग के बालों की हालत, पूरे फेस की हालत खराब है क्योंकि अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो आई थिंक अब ब्लॉग का हम लोग यहीं पे एंड करने का टाइम है। चलो आगे तुम बोलो किसी। हाँ तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।